पीटीआई पर पाबंदी नवाज शरीफ और जरदारी की सबसे बड़ी गलती होगी। फवाद चौधरी कहते हैं इस गलती के बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मामला। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ आज फिर पार्लियामेंट के बाहर हड़ताल कैंप लगाएगी। पिशावर में भी आज भूख हड़ताली कैंप लगाने का फैसला। कैंप शाम 6 बजे लगाया जाएगा। अस्करी टावर जलाओ घेराव केस, उमर अयूब का अदालत में आज पेश ना होने का फैसला। एडीसी लाहौर में एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारकसानी केस में नजरसानी दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत ने केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी मंजूर कर लिए। करार दिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन की हदूद में चीनी शहरियों का लेन देन के तनाजे पर झगड़ा। सर पर डंडा लगने से एक चीनी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची में बादलों का राज, कई इलाकों में बूंदाबांदी। सूबे के दीगर अजला में भी बारिश की पेश गोई। पंजाब, केपी, इस्लामाबाद, गिलगित और कश्मीर में भी बरसात का इम्कान। और बच्चों को जहर खिलाने वालों के खिलाफ एक्शन। लाहौर में मारूफ ब्रांड की टॉफीज बनाने वाले यूनिट में मौजूद 800 किलो मुजर सेहत टॉफीज, 250 किलो से जायद उलमियाद केमिकल और नाकिस स्नैक्स तल्फ, 3 लाख का जुर्माना आया।